सत्तर के साथ दिखाई आप जाते हुए और निश्चित चित्र के और ब्रह्मा के साथ दिखाई है ब्रह्मा के साथ आत्माएं जाती हुई दिखाई है ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के साथ आत्माएं जाती हुई दिखाई है झाड़ के चित्र में षष्ठी चक्र में जो दिखाया है वो सिर्फ बुद्धियोग की बात है लेकिन झाड़ के चित्र में जो आत्माएं जा रही हैं वो आत्माओं को ले जाने वाली शख्सियत ब्रह्मा की नहीं दिखाई है शंकर को दिखाया हुआ है शांति देवा शंकर के लिए कहा जाता है जब तक इस बड़ी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक सारी दुनिया में विनाश के बगैर शांति नहीं हो सकती ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके सुखदाम की स्थापना का निमित्त बनती है सुखदाम के गेट्स माताओं के द्वारा खोले जाएंगे शांति धाम की नहीं परंतु पहले शांति धाम या सुखदाम नहीं सुखदाम और शांति धाम दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं एक तरफ शांति धाम का गेट खुलता है जो मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो वो कार्य करने वाला प्रैक्टिकल में जो पर्सनालिटी होगी वो ब्रह्मा की होगी क्या है ब्रह्मा की पर्सनालिटी नहीं होगी वो निराकारी स्टेज में लेने वाला ले जाने वाला बाप ही प्रत्यक्ष होगा जो झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर को दिखाया हुआ है शंकर के ऊपर शिव को दिखाया है शंकर के चारों ओर आत्माएं दिखाई हुई हैं बिंदु बिंदु इससे जाहिर होता है कि ले जाने वाला शंकर नहीं है शंकर भी किसकी याद में बैठा है शिव की याद में बैठा है तो आत्माओं का आकर्षण दिखाया गया है सुखदाम में आत्माएं होंगी सिर्फ आत्माएं होंगी या शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी शरीर के साथ होंगी वो स्थिति उसकी निमित्त माताएं दिखाई गई हैं अब उन माताओं में चाहे गौरी माता हो या काली माता हो माताएं ही मिलकर के नई दुनिया का गेट खोलने के निमित्त बनती है इसलिए दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है उस ब्रह्मा की भी पूजा कब होती है जब वो कोई माता के चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाता है और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति
छोटी माँ ओमरा दे वो भी कोई कन्या में प्रवेश करके पाठ बजाती है, जिसका पाठ संसार में लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही माताएं हैं। यज्ञ के आदि में भी दोनों ही माताएं निमित्त बनी थी और अंत में भी वो ही दोनों माताएं निमित्त बनती। और बाबा मुझे बोला है शिव बाबा देखने में नहीं आते, ये बात शिव बाप के लिए तो लागू होती है, शिव बाबा के लिए तो नहीं। जब हम कहते हैं शिव बाबा को हम याद करते हैं तो हमारी बुद्धि देहधारी आत्मा की तरफ जाती है या निराकार सदैव रहने वाली आत्मा की तरफ जाती है? उस निराकार आत्मा को शिव बाबा कहेंगे या देहधारी की आत्मा को शिव बाबा कहेंगे? है निराकार को तो शिव बाप बोलते हैं, शिव बाबा नहीं। शिव बाबा तो देखने में आते हैं। वो जब शरीर धारण करता है तब ही बाबा है, अगर परम धाम में है तो शिव बाप है। एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं, एक आत्मा हमारे लिए शिव बाबा है और दूसरी आत्मा नहीं, दूसरी आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है। हमारी बुद्धि उसकी तरफ नहीं जाती है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि किसकी तरफ जाती है? हमारी बुद्धि शिव की आत्मा की तरफ जाती है। लेकिन वो शिव की आत्मा जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो जब शरीर धारण करती है तब ही शिव बाबा है। परम धाम में है तो शिव बाप है, शिव बाबा नहीं। बाबा ग्रैंड फादर को कहा जाता है। हमारा बेहद का बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो बाबा नहीं है। परंतु उसका भी कोई बाप है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका कोई बाप है या नहीं है? है तो जो बाप का भी बाप है वो ही शिव बाबा है। और शरीर के साथ है या बिना शरीर के शिव बाबा है? है शरीर के साथ शिव बाबा है। और आबू रोड से सन 76 से प्रदर्शनी निकलेगी, ऐसा तो नहीं कहा। हाँ आबू में जो चित्रों का म्यूजियम बना है वो पहली बार बना है और प्रदर्शनी भी वहाँ पहली बार लगाई गई, लेकिन वो थी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी। लेकिन नई दुनिया संसार में जब प्रत्यक्ष होगी तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी होगी, जड़ मूर्तियों का म्यूजियम होगा या चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम होगा? और वो शुरुआत कहाँ से होगी? आबू रोड से शुरुआत होगी, माउंट आबू से शुरुआत होगी। इसलिए बोला है कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी? जाने वालों का और आने वालों का तांता खत्म ही नहीं होगा। और बाबा मुरली ने बोला है माताओं की देखो कितनी महिमा होती है, इनमें भी जगदम्बा की बड़ी बड़ी महिमा है। जगदम्बा पर बड़े बड़े मेले लगते हैं,
क्योंकि वह भी तो कुमारी है ना। नंबा को कुमारी कैसे कहेंगे बाबा? जो माताएं बांधेली माताएं होती हैं और सबसे जास्ती कौन याद करता है? बांधेली माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं। क्या वो बांधेली माताएं उनके लिए ये बात लागू नहीं होती है कि मैं माताओं को कन्या बना देता हूं और कन्याओं को माता बना देता हूं? कैसे लागू होती है? बल तन किसी के बंधन में आता है, परंतु यहां ज्ञान मार्ग में तन को प्रेफरेंस दिया जाता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है? मन को प्रेफरेंस दिया जाता है। बल तन कोई बांध ले, लेकिन मन को बांध सकता है क्या? तन भल कीचड़ की दुनिया में रहे, लेकिन मन कीचड़ की दुनिया में नहीं रहता है। ये जगदम्बा की बात है जो महाकाली का रूप धारण करती है, इसलिए महाकाली के चित्रों में मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। महाकाली के मस्तक में शंकर को क्यों दिखाया? क्योंकि वो याद में स्थिति दिखाई गई है कि तन भल बंधन में हो, कीचड़ में हो। विष्णु के चित्र में भी ये बात दिखाई गई है। जो चौथी भुजा है जिसमें कमल का फूल दिखाया गया है, वो किस आत्मा की पार्टी की यादगार है? वो जगदम्बा के पार्टी की यादगार है। बल कीचड़ की दुनिया में रहना पड़ता है क्योंकि जगत की माता है। सिर्फ ब्राह्मणों की माता नहीं है, सूर्यवंशियों की माता नहीं है, चंद्रवंशियों की ही सिर्फ माता नहीं है। वो सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की माता है, क्या कहेंगे? जगत की माता है। ये दिल्ली की यादगार है। दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्मा ने आनंद मनाया है, हर धर्म की आत्मा ने मनमानी की है। जैसे बच्चा माँ की गोद में मनमानी कर लेता है, ये दिल्ली के बारे में बाबा ने बोला है। सबसे जास्ती पतन माताओं का होता है, इसलिए दिल्ली के बारे में खास बोला है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो बाप आए हैं किसके लिए? किसके लिए आए हैं? माताओं के लिए ही आए हैं। तो सबसे ज्यादा गिरी कौन? माताएं ही सबसे जास्ता गिरती हैं। सबसे जास्ती गिरती हैं तो लोगों की नजर गिरते हुए के ऊपर ऊंची दृष्टि से जाती है या ऊंचों को ऊंची दृष्टि से देखती है? हा? दुनिया क्या करती है? दुनिया नीची नजर से देखती है और भगवान ऊंची नजर से देखते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि बाप का अंदरूनी प्यार रहता है। क्या? बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। दुनिया हिराकत की नजर से माताओं को देखती है,
और बाप बाप माताओं को ही ऊंची नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरा काम प्रैक्टिकल में करने वाली कौन है। बाप आया है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने, परंतु बाप तो बिंदी है। बिंदी कैसे स्थापन करेगी? अच्छा, माताओं के साथ भाई लोग भी तो हैं। है या नहीं है? परंतु भाइयों को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भाई ही माताओं को नीचे कर नीचे गिराने वाले हैं। पुरुषों ने ही माताओं को जन्म जन्मांतर नीचे गिराया है, इसलिए पुरुषों को बाबा ने टाइटल दे दिया था पुरुष दुर्योधन दुशासन। उनमें ऊंच से ऊंच पाटधारी पुरुष हो या नीचे पाटधारी पुरुष हो, नई दुनिया के पुरुषों की बात बताई या पुरानी दुनिया के पुरुषों की बात बताई? है पुरानी दुनिया के पुरुषों की बात बताई, दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की बात बताई? नई दुनिया के तो क्लीन शेव होते हैं, उनकी बात नहीं है। उस पुरानी दुनिया के दाढ़ी मूंछ वाले चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, सब क्या है? हैं? सब नंबर वार दुर्योधन दुशासन है। जो है ही नंबर वार दुर्योधन दुशासन, वो नई दुनिया की स्थापना कैसे करेंगे? नई दुनिया में सब पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? हैं? सब पवित्र होंगे। हाँ, मन से जाकर बाबा को याद करती है, लेकिन ये पांगली माता मन से भक्ति तो नहीं कर सकती। इसकी 24 घंटे लगन लगी हो बाप की याद में, तन यहाँ घर में रहता है और मन सदैव बाप की याद में रहता है, तो भट्टी नहीं है क्या? अरे वो तो 7 दिन की भट्टी होती है, 9 दिन की भट्टी होती है, लेकिन माताओं की तो जो बांधे ली है उनकी लगातार की भट्टी हो जाती है। बाबा से मिलने नहीं देते ना? है? जब तक टीका पड़ेगी भट्टी नहीं होती तो बाबा से मिलने कहाँ देते? बाबा ने तो बता दिया कि जो माताएं रेगुलर मुरली सुनती हैं और उस मुरली सुनने का प्रूफ भी है। मुरली सुनने का प्रूफ क्या होता है? नहीं, रजिस्टर नहीं। मुरली सुनने का प्रूफ है कि वो कहीं न कहीं से VCD का प्रबंध कर लेंगी, कैसे भी करके मुरली जरूर सुनती रहेंगे। तो ऐसी माताएं जो हैं, जो बाप की रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे, कहना पड़े। और बाबा, लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता में राम बनती है, ऐसा बाबा ने एक VCD में उंगलियों के हिसाब से एक जन्म मेल का एक जन्म फीमेल के हिसाब से बताया है। फिर ऐसा भी मुरली में क्यों कहा गया है कि राम ने कम पुरुषार्थ किया तो चंद्रवंशी बने? लेकिन कहाँ पुरुषार्थ किया? नहीं, वो राम के लिए बोला उसी। लेकिन पुरुषार्थ कहाँ किया? संगम के। तो संगम की बात है, त्रेता युग की बात नहीं है। संगम युग में जो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, वो संगम युग में राम बाप कहा जाने वाला पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। तो ये संगम युग राम के लिए बोला है। हाँ जी। और तन स्वाहा किया, धन स्वाहा किया, मन भी किया, तन भी किया, अकर्म धन किया,
फिर भी बाबा की आत्मिक स्थिति नहीं बनी है, आत्मिक स्थिति नहीं बनी, क्या कारण? ये हर आत्मा के अपना अपना पार्ट है, कोई आत्मा का बच्चा बुद्धि का पार्ट है और कोई आत्मा का सालिम बुद्धि का पार्ट है, इसमें कोई क्या कर सकता है? तो आप क्या समझते हैं सबसे पहले कौन सी आत्मा की मन बुद्धि की सदगति होगी? बाबा वो तो शरीर छोड़ने के बाद हुई ना। किसकी होगी? वो शरीर छोड़ने के बाद अपने शरीर रहते तो सदगति आत्मा की होगी या शरीर की होगी? तो वो शरीर छोड़ने के बाद हो या शरीर रहते रहते हो जाए? शरीर की जो सदगति होती है उसके लिए बोला हुआ है, अभी भी आज भी मुरली में आया है कि बाप मालिक होता है या बच्चे मालिक होते हैं, है? सारी जिंदगी की कमाई बाप किसको सौंपता है, मालिकाना किसको देता है? बच्चों को देता है। तो यहाँ जो राम बाप है, जो नरसिंह नारायण बनने वाला है, वो सारी जिंदगी की कमाई किसको देता है? कृष्ण बच्चे को ही देता है। और अगर पाप कर्म करते हैं तब अंतर्वाह शरीर मिलता है, जब पाप कर्म करते हैं तो अंतर्वाह शरीर भी अर्थात सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो क्या ब्रह्मा बाबा और मम्मा कर्मों में उनका कर्मों का खाता इतना खड़ा है जो उनको सूक्ष्म शरीर मिला, उन्होंने ऐसा अपनी पुरुषार्थी जिंदगी में क्या कर्म किए कि उनका इतना खाता खड़ा बना कि उन्हें सूक्ष्म शरीर लेना पड़ा? बाप हमको सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी पढ़ाने आए हैं? है? नरसिंह नारायण तो ठीक है, लेकिन जो नारायण बनता है और जो नर होता है उन दोनों के बीच में कौन से गुण का विशेष अंतर है? नहीं, वो अंतर है पवित्रता का, नारायण पवित्र है और नर अपवित्र है, तो बाप पवित्रता का वर्षा पहले देते हैं या स्थूल वर्षा पहले देते हैं? पवित्रता का वर्षा देते हैं। तो ये पवित्रता के हिसाब से देखो, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया, उन्होंने तो सब कुछ भागीदार के ऊपर छोड़ दिया कि जो देना हो सो दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो। उसको मिला उसने जगह में लगा दिया है, वो भी मिला जाता लेकर यज्ञ में लगाया, जो सेवकराम के पास रहा बाकी वो कहाँ गया? वो तो खेल ही उनका खलास हो गया यज्ञ में, जब दो पार्टियों में लड़ाई हुई तो लाश भी उनकी गुम कर दी। लाश का क्या मतलब है? लाश भी गुम कर दी? हाँ, उसका सकुन है या बेहद में? बेहद में कैसी लाश होती है? क्या लाश गुम कर दी? अरे बेहद में लाश कैसी होगी? लाश गुम कर दी क्या होती है? लाश तो उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर आत्मा न हो, हाँ शरीर ही रह जाए, तो वो स्थूल शरीर गुम कर दिया है, जान से मार करके गुम किया। और कैसे गुम किया जाता है, नहीं तो गुम करने की दरकार ही क्या है? प्रूफ प्रूफ खत्म करने के लिए क्या करते हैं हत्यारे? है, लाश को खत्म कर दिया। दो मम्मा की, कौन दो मम्मा की ना, दो गुम, हाँ उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन नहीं किया लाश गुम कर दी कैसे करती? कराने वाला कौन था उन दोनों माताओं में? सारा झगड़ा जो आदमी जिसने कराया वो ही तो सारा झगड़ा अंत में कराती है, और बच्चे संग साथी बन जाते हैं झगड़ा कराने के लिए। यज्ञ के आदमी भी अब व्यक्तवाणी में क्या बोला, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, उस विनाश ज्वाला में
मात पिता तो निमित्त बने ही और साथ में बच्चे भी सहयोगी बन गए। वो बीके वालों से पूछो, यहाँ क्यों पूछते हो? हाँ बाबा, मुसलमान आज की मुट्ठी में आया है, मुसलमान ही हिंदू को काफिर कहते हैं। हाँ। लेकिन जस्ट एक सप्ताह पहले हाँ। बड़ा मीटिंग आया अपने टीवी में, ये काफिर शब्द कुरान से निकाल दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? कुरान से निकाला जा सकता है? मुसलमान सर के ऊपर चढ़ के मार काट मचा देंगे। उन्होंने मीटिंग करने दो, जो ऐसे लोग होंगे कुछ को ऐसे लोग इकट्ठे हो गए होंगे। है हाँ जी, हाँ जी। और सच्ची बात मान लेने में क्या हर्ज है? काफर नहीं होते हैं क्या? है कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, कौन कौन से धर्म में, कौन कौन से धर्म में चक्कर काटते रहते हैं, तो काफर नहीं हुए? जिनका माँ बाप नहीं, नहीं भटकते रहते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, इसलिए उनको कहते हैं काफर। पक्का ठिकाना लेकर के नहीं रहते। बाबा, यज्ञ के आदि में ब्रह्मा लिखते थे, बाप लिखाते थे, तो फिर उसकी कापियां निकाली जाती थी। तो बाबा आज ये बताएं, उस समय बाप डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाते थे, लिखाते क्यों? बिंदी कैसे लिखा देगी? नहीं, बिंदी कैसे ब्रह्मा बाबा से कैसे लिखाती? बिंदी कैसे लिखावेगी? बिंदी के मुंह से, बिंदी को मुंह होता है जो आवाज निकलेगी। बाप लिखाते थे, इसका मतलब बिंदी बाप कोई माताओं को निमित्त बनाया, उन माताओं के द्वारा ब्रह्मा बाबा को लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा पढ़ते थे और बाप माताओं के द्वारा पढ़ाई पढ़ाते थे। और जो भी साहित्य था शुरू था, तो उसको एक बंद करके और एक मकान में ब्रह्म समाधि दबा दिया। तो कहते हैं वो जब वह मफर झुकाएगा द्वारा, तो उसने निकाल करके फिर शास्त्र बनाई है। जब आधा विनाश होता है तभी सारी दुनिया लौटपोट हो जाती है, और जब पूरा विनाश होता है तो दुनिया का एक एक कण 5000 वर्ष के राउंड में जहां से शुरू होता है, घूम घाम के वो कण उसी जगह पहुंच जाता है। तो वो पत्ते एक जगह कैसे रह जाएंगे जो द्वापर युग में मिल जाएंगे? उन पत्तों की बात नहीं है द्वापर युग में मिलने की। हाँ, ये हो सकता है कि संगम युग में आखिरी इन वो पत्ते मिल जाए और सच्चाई उनके आधार पर खुल जाए। बाबा, तिलक हमेशा अनामिका उंगली से दिया जाता है, इसी से तिलक देना शुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? ये 5 उंगलियां हैं, 5 भारतीय धर्म हैं। एक युधिष्ठिर, ये भीम ज्यादा काम कौन सी उंगली से करते हैं? इस उंगली से। अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल कौन से धर्म का हुआ? है सन्यास धर्म का। जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा। तो तिलक किसने दिया? अनामिका ने दिया। सबसे छोटी नदी को हाँ, जो पर्वत उठाया है, पहाड़ उठाया, गोवर्धन पहाड़ उठाया, गौ माने गौएं, वर्धन माने बढ़ाने वाला, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़, माना 16000 को सरेंडर कराने वाला पहाड़, और उनकी पालना करने वाली जो उंगली है वो कौन सी दिखाई? किसके ऊपर उस पहाड़ का वजन डाला? सबसे छोटी उंगली के ऊपर डाला।
तो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? पंजाबी खून से कनेक्टेड है, इसलिए सिखों में गायन है। राज करेगा खालसा। जिसको हम प्रजापिता कहते हैं, उस प्रजापिता में सिर्फ प्रजापिता ही है या धर्मराज भी है? जिसको हम अंगूठा कहते हैं, वो अंगूठा धर्मराज की यादगार है या प्रजापिता की यादगार है? किसकी यादगार है? धर्मराज की यादगार। धर्मराज को क्या कहते हैं? जज, सुप्रीम जज। कोर्ट में जब निशानी लेते हैं तो क्या लगाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। ये प्रूफ लेने वाली बात है। बिना प्रूफ और प्रमाण के धर्मराज भी किसी को सजा नहीं देगा। तो सजाएं देने वाली आत्मा निमित्त कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ये अंगूठा वो हुआ। राधा कृष्ण मैं बताया गया कि राधा कृष्ण प्यार से बच्चे पैदा करेंगे। नहीं, सत्युग में राधा कृष्ण आंखों के प्यार से बच्चे पैदा करेंगे। मतलब दोनों बहन भाई हैं राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण बहन भाई बताए ना, बाबा लक्ष्मी नारायण के बच्चे बताए ना। वहाँ जो बहन भाई होते हैं सत्युग में, वो ब्रस्त इंद्रियों से कनेक्टेड होते हैं क्या? नहीं, आंखों का प्यार पता है। आंखों का पार भाई बहन में नहीं होता है। वो बहने में बात सुनी, वो सुना था उनको, वो इस बात को नहीं मान रही। जिनमें देहभान होता है वो ऐसे बोलते हैं। जिन आज की दुनिया में जिनमें देहभान है वो ऐसे बोलेंगे। देहभान माना ब्रस्त कर्म इंद्रियों का भान है, वो ऐसे बोलेंगे। सतयुग में तो सब भाई बहन ही हैं आपस में। अभी बाबा आए हैं तो हम बच्चों का आपस में क्या कनेक्शन है? भाई बहन है। जब भाई बहन है तो भाई बहन का नाता शुरू वहां से होता है। वहां भी भाई बहन रहेंगे और भाई बहन के रूप में ही वहां सृष्टि पैदा होगी। वहां कोई दोष नहीं है, खून में कोई भी भ्रष्टाचार पैदा नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि पवित्र रहती है। भाई की दृष्टि बहन के सिवाय और किसी में नहीं डूबती है, विचार की नाम ही नहीं। और यहां तो भ्रष्ट इंद्रियों से भी विचार हो रहा है। इसलिए जिनमें जन्म जन्मांतर का ज्यादा देहबान है उनको ऐसा लगता है, अरे छी 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 छी, वहां भाई बहन आपस में बच्चे पैदा करेंगे। और बाबा चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? चंदा मामा माँ तो नहीं है, मामा माँ है, माँ है। नहीं, चंद्रमा को माँ नहीं, वो तो पुरुष तन है। तो जो पुरुष तन है वो माँ नहीं है, वास्तव में माँ का भाई है। अभी ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है कि नहीं? तो मामा है, डबल है। जगदम्बा सारी धर्मों की रूप की आत्मा की जन्म देती है। जगदम्बा सारी धर्मों की बीज रूप की आत्मा की जन्म देती है। सभी धर्मों का बीज है। हाँ जी, उनके जो आत्मा है सभी धर्म माता के रूप में। हाँ जी, तो वो जो आत्मा है वो सतयुग में आएगी कि नहीं? अरे जगदम्बा को ही सतयुग में से निकाल दिया। रुद्रमाला का मणका है या नहीं? जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? और वो जन्म जन्मांतर का राजा है या नहीं है?
तो जो जन्म जन्मांतर का राजा बनने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो सतयुग के आदि में नहीं आएगी। नहीं वो आई बाबा, मेरा प्रश्न ये है जो इब्राहिम और बुद्ध कृष्ण जो विष्णु की आत्मा है वो सतयुग में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी लेकिन बाद में आएगी। जो और धर्मों के बीज रूप हैं वो नंबरवार बाद में आते हैं और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं वो बीज रूप आत्माएं पहले आती हैं। परमधाम से उतरने का क्रम है 4.5 लाख आत्माओं में 50-50 के 9 ग्रुप हो गए, तो 9 ग्रुप एक साथ आवेंगे या नंबरवार आवेंगे? नंबरवार आवेंगे। और जब अंत होगा 36 में, 36 में जब अंत होगा तो किशन वाली सोल है वो है अपने बाप वाली सोल है, कुछ दिन उसके अंदर है राम बाप के अंदर, तो जब वो शरीर छोड़ेगा आखिर में, सबसे आखिर में शरीर छोड़ेगा, शरीर तो छोड़ दिया, कुछ एक सेकंड के लिए जैसे जाएगा उसको जाते को देखता नहीं ना आखिर में, वो आखिर में जाता है राम बाप, राम बाप तो सबके आखिर में जाती है। तो जब वो जाएगी तो उस समय वो कृष्ण वाली सोल शरीर में होगी, कृष्ण वाली जो सोल है वो उसी शरीर में तन में होगी ना, उसके तन में, तो वो जब चला गया तो उसके बाद वो वही रहे उसी तन में रहेगी उस समय, जब वो आत्मा चलेगी शरीर छोड़ के, नहीं उससे पहले वो चली जाएगी। जो विष्णु का पार्ट है वो कौन से युग का है? विष्णु कौन से युग में होता है? है संगम युग में। और विष्णु के पार्ट में कितनी आत्माओं का पार्ट समाया हुआ है? 5 आत्माओं का पार्ट समाया हुआ है। 5ों ही मिलेंगे तब संपूर्ण विष्णु का पार्ट होगा, या एक नहीं होगा तो भी विष्णु का पार्ट होगा? है 5ों ही मिलेंगे, इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है। कृष्ण का जन्म कब होगा? जैसे जब राम वाली आत्मा आखिर में जाती है और वापस उसी तन में आ गई, वो हो गया उसका शरीर जो कृष्ण का पाप पड़ेगा। 4 आत्माएं हैं, माँ बाप जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो आत्माएं भी परमधाम जाती हैं और साथ साथ में वो बच्चे भी परमधाम जाते हैं। माँ बाप की आत्मा पहले अपने शरीर में प्रवेश करती है और उन्हीं शरीरों में जो माँ की आत्मा है उसमें वो बच्चे प्रवेश करते हैं। कौन बच्चे? राधा और कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है और पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार रूप में उनका पार्ट है, बाद में फिर और आत्माएं आती रहती हैं, उनका पार्ट शुरू होता है। जगदम्बा भी पार्ट है, लेकिन जो जगदम्बा है वो सतयुग के आदि में कौन से धर्म का बीज है खास? है चंद्रवंश का बीज है, तो चंद्रवंश वाली आत्माएं पहले आवेंगी या बाद में आवेंगी? बाद में आवेंगी। 9 महीने बाद जन्म होगा, 9 महीने के लगभग बाद जन्म करूँ मैं आपने तो कहेंगी। ये सब आपने बनाई हुई बातें हैं कि ऐसा होगा। वहाँ तो बच्चा पैदा होता है तुरंत बछड़े की तरह बड़ा हो जाता है। गर्भ महल में रहेगा लेकिन ऐसा वहाँ महसूस नहीं होता कि वजन है पेट में, आराम से बच्चा पैदा होता है, पता भी नहीं लगता। तो 9 महीने 8 महीने ये आप लगा रहे हैं गुंताड़ा। बाबा बोले थे ये बंदर मेरा यज्ञ में विघ्न डालती रहती है, ये बंदर मेरा यज्ञ में विघ्न डालती रहती है, ये बंदर मेरे यज्ञ में विघ्न डालता रहता है, ये कौन बंदर है? कौन सी मुरली में बोला है? मुरली है किस
67 की मुरली, 1 जनवरी 67 की मुरली है। 1 जनवरी 21 जनवरी 67 की मुरली है कि यह बंदर। और बाबा जब यह कहते हैं तो इशारा किसकी तरफ करते हैं? और बड़े से बड़ा बंदर हनुमान है कौन किसका पास है? समझा? हाँ जी, आप कहते हैं अभी भी राम वाली आत्मा भी पढ़ती है, कृष्ण वाली आत्मा भी पढ़ती है, दोनों में समझदार कौन है और बेसमझ कौन है? कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है और राम वाली आत्मा सालिम बुद्धि है। तो जो समझदार ज्यादा है वो विघ्न ज्यादा डालेगा, या जो बेसमझ है वो विघ्न ज्यादा डालेगा? है, जो बेसमझ है वो विघ्न ज्यादा डालेगा। और बाबा आप कहते हैं ये बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करता है, यह और मम्मा नंबर 1 में पास होते हैं, फिर यह ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हाँ। फिर इनकी ही लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है। अब एक तरफ तो बाबा बोलते हैं अभी वो मतलब लक्ष्मी नारायण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा। हाँ। एक तरफ कहते हैं कि नंबर 1 में पास होते हैं। हाँ। तो ऐसा किसके तन के द्वारा, किसके तन के द्वारा पास होते हैं नंबर 1 में? अरे तन कौन सा होगा, मुकर्रर होगा या टेम्पररी रथ होगा? किसके द्वारा जब पास होते हैं तो किसी रथ के द्वारा पास होते हैं या बिना रथ के पास हो जाते हैं? कौन सा रथ होता है निमित्त? बोलो भाई, राम वाली आत्मा के रथ की तरफ इशारा किया। और मतलब यह बच्चा राम वाली आत्मा को बोला नहीं? हाँ जी, बच्चा तो जो है जब बाबा बात करते हैं राम वाली और राम के साथियों से तो तुम कह के बात करते हैं, तू कह के बात करते हैं। हाँ, और जब यह कहते हैं तो ब्रह्मा के लिए, लेकिन तन एक ही है पास होने का। पास होने का जो पुरुषार्थी तन है वो एक ही है मुकर्रर रथ। और सदगुरु अलग है, राम अलग है और सदगुरु अलग है। सदगुरु अलग है और बाप अलग है। सदगुरु दलाल। हाँ जी, दलाल अलग है। जो दलाल है वो साकार है या निराकार? दलाल तो साकार ही होता है। और उसके अंदर जो सदगुरु की आत्मा है वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? उसकी तरफ सदगुरु इशारा किया। हाँ, वो ही सत्य है, हमेशा सदा सत्य रहने वाला सदाशिव, जिसे सदाशिव कहते हैं वो ही सदगुरु है, वो ही सदगति करने वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा को सदगति करने वाली आत्मा नहीं कहेंगे, बल एक ही तन में है। और बाबा जब शिव बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय में कोई अगर जीजा जी की बार बार बुद्धि में बीच पड़ती रहे तो उसको कैसे मर्ज करके उसका सुधार हो, इस आत्मा को भी मतलब? अब जिसके साथ 63 जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वो आपने अपनी मर्जी से जोड़ा है या अपने आप जुड़ गया? आपने अपनी मर्जी से जोड़ा ना, तो जिसके साथ एक बार हिसाब किताब जोड़ लिया वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए नहीं आएगा। ए, कहाँ जा रहे हो? जब वो आएगा तो उस समय क्या बाबा के साथ मर्जी कैसे कटेगा? अरे उसको अवॉइड करो, बाबा को याद करो, वो बार बार आता रहे।
बार बार उसको बुलाते रहो, बार बार बाबा को याद करते रहो। पहले भी क्या किया, बाबा को भुलाया और उसके साथ जोड़ा, तो अब हिसाब उल्टा कर दो। हाँ बाबा, राधे कृष्ण के महल में आती थी, फिर दोनों में लव हो गया, ऐसा मुरली में आया है। हाँ। तो हमें जरा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे महल में आती थी, क्या राधे कौन से वंश की है? चंद्रवंश की है। और कृष्ण कौन से वंश का है? जो सूर्यवंशी हैं, वो सूर्य से ज्ञान लेते हैं या चंद्रमा से ज्ञान लेते हैं? जो सूर्य से ज्ञान लेने वाले सूर्यवंशी हैं, उनका परिवार अलग होगा, और जो ज्ञान चंद्रमा से बैठ करके अभी ज्ञान ले रहे हैं गुलजार दादी में भगवान समझ करके, उनका परिवार अलग होगा। तो चंद्रवंशी की राधा कहाँ जाती है? हैं, कौन से गार्डन में जाती है? ये फूलों के गार्डन है, तो चंद्रवंश के गार्डन में जाती है या सूर्यवंशियों के गार्डन में जाती है? सूर्यवंशियों के गार्डन में जाती है। तो लव हो गया, ये इसका कहने का शास्त्र क्या है? अब जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से सहयोग लेने की इच्छा नहीं होगी? बुद्धि में तो है, बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि लंगड़ा और अंधा दोनों का अगर मेल हो जाए तो पार हो जाएंगे, तो एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे है? तो हमारा काम बनाओ, हम तुम्हारा काम बनाएंगे। हाँ जी बाबा, कहते हैं मैं तुमको वर्षा देता हूँ पवित्रता का, और रावण तुमको साप देता है विकारों का। जो विकार मिले हैं द्वापर युग से, वो हमारे लिए साप का काम करते हैं, दुख पैदा करते हैं। और शिव बाबा आते हैं तो हमको पवित्र बनाते हैं। जहाँ पवित्रता है, देयर इज ए प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिल जाता है। प्रभात फेरी पहले तो बताओगे हमें क्या है? हाँ, बात क्लियर हो गई। प्रभात माना क्या है? सुबह कब होता है? इस सृष्टि चक्र में सवेरा सवेरा कब होता है? संगम युग में कौन सा टाइम? जब एकदम सवेरा कहें, सारी दुनिया को पता चले। अव्यक्तवाणी में बोला, जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले मेरा बाप आ गया। तो दोपहर हुआ, रात हुई, सायं हुई या सवेरा हुआ? सवेरा हुआ। अब अर्थ लगाओ है? जो भी टाइम 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और 36 में जब वो सत्याग्रहवाद में सिद्ध हाईकोर्ट में केस चल रहा था मंडली के ऊपर, तो उस दिन का मैंने वो न्यूज पेपर रिलीज का निकाल के देखा था, उसमें प्रभाव का पत्र उम्र 47 साल लिखी हुई है, 44 60 साल का लिखे वाले 60 साल का हो गया। इसके बारे में कुछ भी बोलते हो? इंग्लिश पेपर में लिखा हुआ 44 है, 44 लिखा उसके बारे में। 36 मानवीय का उसका मत होगा। तो आजकल जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनमें सही उम्र होती है या माँ बाप एक दो साल ऊपर नीचे भी कर देते हैं? ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ भी 2-4 साल का फर्क हो सकता है।
तो बाबा के हिसाब से तो सन 87 आता है, 100 वर्ष की आयु दादा लेखराज की सन 87 में पूरी होती है। झांसी में एक वो है ज्ञान पत्रिका है, ज्ञान पत्रिका है, उन्होंने 50 साल की उम्र लिखे 50 साल की उम्र कब 36 36 सैंतीस में 50 साल हाँ 50 साल 40 एकड़ में हो जाती है ठीक है। हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर वाले फर्रुखाबाद में क्या लिखा अभी साल भर महीने भर और जब 98 का जब केस हुआ कंपिल में तो न्यूज़पेपर वालों ने क्या लिखा, झूठ लिखा सच लिखा? अखबार वाले पैदाइश ही है तमोप्रधान दुनिया की है जी। और हमारा पूजे का पूरा परिवार कैन में चलेगा, हमारा पूजे का पूरा परिवार कैन में चलेगा, क्या वो 4.5 लाख की लिस्ट में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आपको संशय क्यों आता है इस बात में? 4.5 लाख की लिस्ट में? हाँ हाँ 4.5 लाख ज्ञान में चलेंगे, एक माने पूरे ज्ञान में चलेंगे या आधे ज्ञान में आधे अज्ञान में है? पूरे ज्ञानी जो है वो सूर्यवंशी ही कहे जाएंगे या इस्लामी और बौद्ध भी कहे जाएंगे? जो इस्लाम धर्म में आत्माएं कन्वर्ट होंगी, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगी या कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगी उनको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? हैं? वो तो अज्ञानी हो गई। तो ज्ञानी आत्माएं कौन सी हैं? जो सूर्यवंशी हैं वो ही ज्ञानी है, और असली सूर्यवंशी 4.5 लाख ही हैं। ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा? तो पहले पहले प्रवेशता कहाँ से शुरू होगी? हर काम पहले बाप से शुरू होगा या दूसरों से शुरू होगा? तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा हुआ? 76 में ही ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उसके बाद दूसरे बच्चों में प्रवेश होता है। ब्रह्मा जैसी आत्माएं चंद्रवंशी आत्माएं हैं, चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों का पेयर है, ऐसे ही इस्लाम वंशियों और मुस्लिम वंशियों का पेयर है, ऐसे ही बौद्धियों में हीनयान और महायान वालों का पेयर है। हर धर्म में पेयर्स हैं, ये सारी सृष्टि ही प्रवृत्ति मार्ग की है देखा जाए तो। कुमार का दादी इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, उनकी प्रवेशता होती है 4.5 लाख? 4.5 लाख में इस्लाम धर्म के बीज रूप नहीं है, तो जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे उनमें इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश करेंगे। जगदीश भाई आर्य समाज से कनेक्टेड है, तो आर्य समाजी जो है वो आर्य समाज की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगे या दूसरों में प्रवेश करेंगे? उन्हीं में प्रवेश करेंगे। बाबा जैसे एडवांस में हम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं बाप से, और कोई आत्मा जैसे सूक्ष्म देह वाली है तो प्रवेश करती है, उसकी पहचान क्या होती है कि प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है, उसका रूप क्या है? हैं? कोई आत्मा हमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है हाँ? तो उससे हमें कैसे पता चले कि कोई आत्मा हमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है? वो तो ज्ञान के पॉइंट से ही प्रवेशकर्ता का प्रूफ मिलेगा, अगर ज्ञान का प्रूफ नहीं है तो प्रवेशता का प्रूफ कैसे मिलेगा? राम वाली आत्मा है,
उसमें चंद्रवंशी आत्मा प्रवेश करती है, तो निशानी है भक्ति मार्ग में या नहीं? चंद्रमा जगदम्बा है, जगदम्बा में ज्ञान चंद्रमा प्रवेश करता है, तो निशानी भक्ति मार्ग में है या नहीं है? क्या है? काली के सर पे चंद्रमा दिखाते हैं। ऐसे ही जिनका जिनका जो हिसाब होगा वो अपना अपना हिसाब प्रूफ खींच लेंगे और अपने मुंह से अपनी ही प्रत्यक्षता करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। बाप ने बता दिया है, बाप या दादा बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर किसी के पार्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, हरेक अपना अपना प्रूफ स्वतः ही ढूंढेगा और स्वतः ही प्रूफ बताएगा, स्वतः ही डिक्लेयर होगा कि कौन से रुद्राक्ष मणके में कौन कौन से धर्म की आत्माएं प्रवेश करती है। एक एक रुद्राक्ष में अनेक आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं। उसके मतलब जैसे वो ज्ञान को समझता है या कोई ज्ञान का चर्चा करता है उससे पता चलेगा, उससे पता चलेगा ना, कोई ना कोई प्रूफ मिलना चाहिए ना, बिना प्रूफ के कैसे मानेंगे? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा हमें कोई प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहा है। राम और जगदम्बा का कैसे पता चला? वो तो भक्ति मार्ग में उनका है जी। भक्ति मार्ग तो ऐसे ही सबका भक्ति मार्ग में नहीं है, भक्ति मार्ग में गांव-गांव में 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं दिखाए गए हैं, उनके पक्की निशानियां होंगी। मतलब जो जगदम्बा का है काली का है वो तो पाठ प्रत्यक्ष हो चुके हैं, तो सभी बच्चों के पाठ तो प्रत्यक्ष नहीं है, तो अब पढ़ाई पढ़ती है कोई आत्मा प्रवेश करके, तो उसे कैसे समझा जाए कि कोई आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो तो जब पार्ट खुलेगा तब ही पता चलेगा ना, अभी तो 8 के भी पार्ट पूरे नहीं खुले हैं, तो आप अपना कैसे पूछ लेंगे? नहीं मैं अपना से पूछ रहा हूँ। मैं तो अच्छा दूसरे के कैसे पूछ लेंगे? सभी का भी हिसाब मिलेगा, हरेक का प्रूफ मिलेगा, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानने वाले नहीं है। कोई कहे हमारा शिवाजी का पार्ट है तो कहने से मान लेंगे क्या? प्रूफ चाहिए, वो प्रैक्टिकल में प्रूफ टैली होने चाहिए। हाँ किया जाता है तो पुराने समय में जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे तो साथ में ब्राह्मणों के द्वारा उन आत्माओं का हाल चाल देते थे, तो वो अपना हाल चाल नहीं बताते थे और बाबा के पुत्र के हाल के सामने इतने पवित्र नहीं है, तो क्या जब उनके परिजन की आत्मा उनके देश को आपके ब्राह्मणों के या फिर उनकी चेतना? अभी संदेशियां ध्यान में जाती हैं और उनमें देवी देवताओं की आत्माएं भी यज्ञ के आदि में प्रवेश करती थी, तो क्या वो आती हैं? देवी देवताएं इस दुनिया में हैं? है नहीं, ये तो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है, ये बाबा का खेल पाल है। साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में। और किसी को हनुमान का साक्षात्कार करा देते हैं, किसी को महाकाली का साक्षात्कार करा देते हैं, किसी को गणेश का साक्षात्कार करा देते हैं। नहीं बाबा, जो आत्माएं अपना हाल चाल बताते हैं कि हम अपने महादेव के मतलब की जो निराकारी आत्मा, वो तो आज भी बताती हैं। वो क्या उनकी निराकारी आत्मा के शरीर में आती है, फिर वो उसी तरह की हमें व्यक्ति की जान से जन्म दिया है, या फिर चेतना? जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो कोई भी शरीर में प्रवेश करके छोटा मोटा पास्ट का पार्ट बता सकती है, बाकी 84 जन्मों की कहानी किसी के पास नहीं है। और हाँ कृष्ण वाली आत्मा है, 50,000 आत्मों की जो बच्ची है उनके जन्म हो जाएंगे, अपना सपोर्ट में प्रवेश कर जाएंगे, तो किसका जन्म होगा?
क्या जो सूर्यवंशी है बोलता है 50,000 आत्माएं जब उनका सूर्यवंशी का जन्म होगा उसके बाद किसका जन्म होगा ये बोलते हैं। सूर्यवंशी हैं वास्तव में कितने? 50,000। क्यों? जो कृष्ण की आत्मा नर से नारायण बनने के घर बनने वाले के घर में जन्म लेगी वो सूर्यवंशी नहीं होगी। सूर्यवंशी सूर्यवंशी जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? कब बनते हैं प्रवृत्ति मार्ग के? नहीं, जब चंद्रवंशियों से कनेक्शन होता है तब बनते हैं या वैसे ही बन जाते हैं? चंद्रवंशियों से कनेक्शन होता है तब प्रवृत्ति मार्ग के बनते हैं, ऐसे ही है। 1,00,000 आत्माओं के बाद उनका जन्म होगा है? 1,00,000 आत्माओं के बाद जन्म होगा? क्यों? 8 के बीच में होगा। बाबा ये कह रहे हैं, इसका कहने का भाव है जब कृष्ण का जन्म होगा उस समय कितने सूर्यवंशी बच्चे मतलब 4,50,000 रुद्रमाला के और 4,50,000 विजयमाला के चंद्रवंशी, उनका नंबर वार पेयर बनता है, संगम युग में भी बनता है और सतयुग में भी बनता है। तो जो संगम युग के हैं वो तो नर नारायण हो गए और जो सतयुग में होंगे वो उनके बच्चे हो गए बाद वाले। पहले कौन सी आत्माएं उतरेंगी? पहले माँ बाप की आत्माएं उतरेंगी या बच्चों की आत्माएं उतरेंगी? माँ बाप की उतरेंगी।